नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा का सामान्य हिंदी का पुराना पेपर, जी हाँ दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं। और सामान्य हिंदी का जो है फर्स्ट जो है सीरीज़ है या फर्स्ट पेपर का पहला पार्ट है। ये पाली में बता दे रहा हूँ, ये दोस्तों आपका डेट है 12/12/2017 और थर्ड पाली है, तृतीय पाली है, सितारे कंधों पर चाहिए दोस्तों। तो पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 40 प्रश्न आपको देखने को मिलता है हिंदी का, ठीक है। वैसे ही आप जीएस का भी 40, वैसे ही मैथ का भी 40 और रीजनिंग का भी 40, 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर का, 12/12/2017 का क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, मतलब कौन सा वो आश्रम है वो आपको बताना है, वह चौथा आश्रम कौन सा है। कमेंट बॉक्स में बताइए, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी हम करवा रहे हैं ये पुराना पेपर है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दिए। देखिए चौथा जो इसमें आश्रम है वह है संन्यास आश्रम, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो जो है छंदो उपनिषद में बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि जो है 100 साल मान लिया गया है मनुष्य की आयु, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 25 25 साल का ये तोड़े हैं, ठीक है। पहला जो 25 साल है वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का। दूसरा जो 25 साल है वो क्या है, वो है गृहस्थ का। देखिए पहला ब्रह्मचर्य का, फिर गृहस्थ का, ठीक है। तीसरा जो है वो वानप्रस्थ का है, और चौथा जो है 25 साल मतलब जीवन के लास्ट कह रहे हैं ये, तो ये जो है आपका संन्यास है, ठीक है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये आपका आपका यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ दे दिया था, इस पैराग्राफ को देख करके आपको जो क्वेश्चन था उसका उत्तर देना था, ठीक है। पैराग्राफ जो है इसको देख करके आपको दो क्वेश्चन का उत्तर देना था, तो इस पैराग्राफ के अनुसार आपको इसका उत्तर ये देना कि आज सबसे बड़ा संकट क्या है। तो अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया अक्सर दूरदर्शन पर जो है परिवार नियोजन, देखिए परिवार नियोजन यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यह तथ्य सभी स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती हुई आबादी, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो बात की गई है बढ़ती हुई आबादी या जनसंख्या के बारे में, या फिर जो है जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, यानी कि नियोजन का यहाँ पर देख रहे हैं परिवार नियोजन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो संकट है ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप सुन रहे हैं, ठीक है, कि जनसंख्या के कारण हर एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, संसाधन कम हो रहे हैं, जॉब से लेके चाहे जो भी चीज़ हो, आपने सुना होगा जनसंख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वही आपका पैरा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस पैराग्राफ में दोस्तों, यहाँ पर प्रौढ़, यहाँ पर देखिए प्रौढ़ यहाँ पर यूज़ किया गया है, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं, तो प्रौढ़ का अर्थ यहाँ पर क्या है, इस पैराग्राफ के हिसाब से आपको बताना था कि इसका प्रौढ़ का अर्थ क्या निकलेगा। तो बच्चों को प्रौढ़ बना रहे हैं यानी बच्चों को वयस्क बना रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो प्रौढ़ का अर्थ है वो बड़े से है, वयस्क से है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा जो है विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, कौन सा इनमें से है जो कि संख्यावाचक विशेषण नहीं है, सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन देख लीजिए, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, फिर सी में है सैकड़ों लोग मारे गए, डी में है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है अगर संख्यावाचक की बात करें तो दो होता है, एक एक जो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और आपका होता है अनिश्चित। तो अगर आप यहाँ पर बात करें कुर्ते का जो है यहाँ पर कपड़ा की बात करें तो 2 मीटर ये निश्चित है, 1 किलो आम ये भी निश्चित है, सैकड़ों जो है ये आपका निश्चित नहीं है, सैकड़ों में 100 भी हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर चाय भी इसका भी 50 ग्राम चीनी डालना तो ये भी निश्चित है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला है, निश्चित संख्यावाचक जो है विशेषण नहीं है, तो अनिश्चित पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर का अर्थ बताइए, पुष्कर का अर्थ क्या होगा। देखिए पुष्कर का अगर आपने पर्वाची याद किया है तो बता देंगे बहुत ही आसानी से, सभी लोग बताएंगे। देखिए कमेंट बॉक्स में उत्तर दे करके ही हमारा आंसर देखिए, जिससे आप गलत करेंगे, देखिए प्रीवियस ईयर है, ठीक है, तो गलत करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा हाँ यहाँ पर गलती हो रही है। तो जो है यहाँ पर पुष्कर जो है ये है तालाब का, सरोवर का,
तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट है, ये पर्वतीय या अर्थ है। ठीक है, चलिए यहां पर नेक्स्ट बात करेंगे। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन होगा, इसका बहुवचन क्या होगा, इसका बहुवचन क्या होगा। तो देखिए मैंने आम ले लिया है ठीक है, तो मैंने, ठीक है, मैंने आम ले लिए हैं ठीक है, तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आम ले लिए हैं ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जटिल का अर्थ बताइए, इन ऑप्शंस में से कौन सा जटिल का अर्थ है। देखिए जटिल मतलब ये होता है कि आपका उलझा हुआ या पेचीदा, आप नहीं कहते बहुत जटिल समस्या है, क्लिष्ट समस्या, कुछ भी कह सकते हैं, विकट समस्या, तो ये आपका जो है पेचीदा जो है बिल्कुल यहां पर अर्थ देगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जटिल समस्या, पेचीदा समस्या आप सुने होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है, कौन सा शब्द है जो कि उपाय से संबंधित नहीं है, कौन सा इनमें से शब्द है जो उपाय से संबंधित नहीं है। तो देखिए उपाय, देखिए उपाय, एक उपाय, मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास एक तरकीब है, मेरे पास एक साधन है, मेरे पास एक युक्ति है, लेकिन अगर विलक्षण की बात करें तो विलक्षण जो है ये असाधारण के लिए जो है अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये उपाय से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, इनमें से सही वाक्य का चुनाव आपको करना है, कौन सा वाक्य सही है, सही लिखा हुआ है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, तो बताइए कौन से इसमें से सही है। सही है मैंने आपको प्रणाम किया था, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन पूछा गया, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, गाढ़ा जो शब्द है इसका विलोम आपको बताना है, गाढ़ा का विलोम क्या होगा, गाढ़ा का विलोम क्या होगा। गाढ़ा का जो विलोम होता है वो होता है पतला, ठीक है, गाढ़ा रहता है पतला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जिंदगी नामा लेखक इसके बताने हैं आपको कि जिंदगी नामा जो है किसने लिखा है, लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे। देखिए कृष्णा सोबती, याद रखिएगा कृष्णा सोबती जी जो हैं ये हैं जिंदगी नामा के राइटर, लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिंदगी नामा के जो लेखिका हैं वो हैं कृष्णा सोबती। ठीक है, इनकी अन्य भी जो है कृतियां हैं दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरता हिंदुस्तान, ये सब इनके और भी कृतियां हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने, यहाँ पर खाली है सेतु, यहाँ पर खाली है के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग यहाँ पर खाली है किया था, यहाँ पर आपको क्या भरेंगे, क्या राइट आंसर होगा, सभी लोग बताइए। तो देखिए क्या होगा, अगर सेतु की बात करें, पुल की बात करें, तो पुल क्या करेंगे, जोड़ेंगे, परखेंगे, लागेंगे, ये सब तो नहीं है, निर्माण करेंगे। ठीक है, पुल का निर्माण करेंगे और शिवलिंग क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, स्थापना करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे मिलजुल मन किसकी रचना है, मिलजुल मन जो है ये किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। मिलजुल मन जो है ये मृदुला गर्ग जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिलजुल मन जो है ये मृदुला गर्ग जी का 8 उपन्यास में से एक है। ठीक है, अन्य भी इनके जो है उपन्यास हैं, जैसे कि उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, या फिर आपका अनित्य, मैं और मैं, कट गुलाब और वसु का कुटुम्ब, ये सब जो है इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विकल्पों में से आपको स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है, चयन करना है, सभी लोग बताएंगे। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें,
यहाँ पर स्त्रीलिंग जो है ये अग्रजा, अग्रजा जो है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, अग्रजा जो है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये आपका राजन, छात्र, सागर, ये सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। मोरों के पंख सुंदर होता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा है पहले ही बी वाला, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्रह्मा खाली है, महेश, ये तीनों यहाँ पर खाली है, जगत का संचालन करती है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए आप सभी लोगों ने सुना था, कई बार सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु गायब है, यानी विष्णु यहाँ पर रहना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है ए यहाँ पर विष्णु दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ, ठीक है, जगत का संचालन करती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, यहाँ पर कौन सा सही लिखा हुआ है वो आपको चुनना है, सभी लोग बताएंगे, सही वाक्य चुनना है आपको। ललित को दो बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, सही से जो लिखा हुआ है, सही जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पीपर पात सलील मन डोला, इस पे आपको बताना है कि पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, कौन सा अंग है पीपर पात, ये आपको बताना है। तो देखिए उपमा अलंकार का जो अंग है, पहले आप उपमा अलंकार के अंग जो है चार होते हैं, कौन होता है, उपमेय होता है, ठीक है, उसके बाद आपका होता है उपमान, उसके बाद आपका होता है वाचक, और आपका होता है साधारण धर्म, ठीक है, ये चारों दिए हुए हैं। यहां पर पीपर पात में कौन सा ये अंग है ये आपको बताना है, तो ये जो अंग है ये है उपमान, ठीक है। अब इसको कैसे पकड़ेंगे, उपमान किसको कहते हैं, उपमेय किसको कहते हैं, तो उपमान जिससे उपमा दी जाए अर्थात पीपर पात, ठीक है, यहां पर पीपर पात से उपमा दी जा रही है, ठीक है, उपमान हो जाता है। उपमेय किसको कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात मन, मन की यहां पर जो है उपमा दी जा रही है, तो ये आपका उपमेय हो जाएगा। वाचक किसको कहते हैं, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए अर्थात यहां पर दोस्तों आपका सरीस जो है हो जाएगा। और साधारण धर्म जो है ये जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए अर्थात डोला जो है ये आपका साधारण धर्म हो जाएगा। तो इस सभी चीजें आपने जान लिया। नेक्स्ट बात करेंगे, सियार का गुण स्वभाव यहाँ पर खाली है, और खाली है, और यहाँ पर जो है दिया है क्या है बताइए। देखिए सियार जो होता है क्या होता है, धूर्त होता है, तो धूर्तता और चालाकी, सियार का जो गुण स्वभाव है धूर्तता और चालाकी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव जो है आपको बताना है, तद्भव कौन सा होगा, किंचित का तद्भव क्या होगा, किंचित का जो तद्भव होगा वो ऑप्शन नंबर ए कुछ जो है किंचित का तद्भव है। थोड़ा की बात करें तो ये होता है इसका जो तत्सम, ये भी आपका तद्भव है, लेकिन इसका जो तत्सम होता है वो स्तोक होता है, स्तोक, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, झूठा झूठा सच के लेखक कौन है, झूठा सच के राइटर लेखक कौन है, झूठा सच के यशपाल जी जो हैं ये राइटर हैं, उपन्यास है इनका ये झूठा सच, इनकी और भी जो है कृतियां हैं, जैसे कि दिव्या, देशद्रोही, दादा, कामरेड, या फिर आपका अमिता, मनुष्य के रूप में, और आपका दिया तेरी मेरी उसकी बात, ये जो है ये सब इनकी और भी कृतियां हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें,
कौन सा सही वाक्य लिखा है वर्तनी के आधार पर, हिंदी वर्तनी के आधार पर कौन सा वाक्य सही लिखा हुआ है? तुम इसका दाम देते जाओ, फिर उसका दिया है तुम इसके दाम देते जाओ, फिर दिया है तुम इसका दाम देते जाओ, और ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है तुम इसके दाम देते जाओ, कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, सही अलंकार बताइए, राम रतन धन पायो बताइए। तो यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार होगा। कैसे? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में क्या है, उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया गया है, ठीक है, मान लिया गया है, अतः यहां पर जो रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है, उप का अर्थ क्या है बताइए। उप का जो अर्थ होता है छोटा, समीप, तो यहां पर समीप दिया है, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर देखिए समीप जो है राइट आंसर हो जाएगा। उपमा अलंकार में उप का अर्थ जो है समीप होता है, और मा जो है इसका अर्थ अगर बात करें तो देखना या तौलना होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जो है उपमा है ना, तो उप का बता दिया समीप, और मा जो है इसमें हो जाएगा तौलना या फिर देखना। अतः यहाँ पर बात करें तो समान धर्म गुण स्वभाव आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफूर होने का मतलब है भाग जाना, ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भाग जाना, ठीक है, काफूर होना का अर्थ भाग जाना। नेक्स्ट बात करेंगे, रेहन पर रघु, ये दोस्तों इसके जो है लेखक का नाम बताना है, रेहन पर रघु का जो है राइटर कौन है? देखिए ये हैं काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह जी हैं, और इन्हें जो है 2011 में इसी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, और यहाँ पर इनकी लिखी गई अन्य जो उपन्यास हैं वो है अपना मोर्चा, काशी का असी, महुआ चरित तथा उप संहार, ये सब इनके अन्य कृतियां हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोध करना, बहुत क्रोध करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लाल पीला होना। नेक्स्ट है, विकल्पों में से पुलिंग शब्द का चयन करना है, पुलिंग का आपको चयन करना है, इनमें से पुलिंग कौन सा है? तेजस्वी, तेजस्वी जो है ये आपका पुलिंग है, बाकी तपस्विनी, हंसिनी, ये सब जो है परोपकारिणी, ये सब जो है स्त्रीलिंग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए, काल बताना है कौन सा काल है इसमें, तो देखिए करते हैं लगा हुआ है तो सीधे आप बता सकते हैं कि वर्तमान काल है और सामान्य वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सुप्त का विरुद्धार्थी यानी उल्टा जो है शब्द बताइए, सुप्त का उल्टा बताना है, देखिए इसका जो उल्टा होता है जागृत, जागृत, जागृत होता है, जागृत, ठीक है, यहाँ पर जागृत दिया है तो जागृत होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर कह सकते हैं, लेकिन बोर्ड ने इसे सही नहीं माना था, यहाँ पर जागृत होना चाहिए, ग्र ऐसे लिखना चाहिए जबकि ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की यहाँ पर खाली स्थान है से लेकर
इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और यहाँ पर खाली है परंपरा रही है, रिक्त स्थानों में आपको पूर्ति करना है। कौन कौन सा सही इसमें भरा पाएगा, भरने का प्रयास करिए। अगर हम बात करें प्राचीन काल में नवाचार से लेकर इस शताब्दी के महान, तो यहाँ पर आहत कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर प्राचीन काल की उपलब्धियों, ठीक है ये ठीक है, से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और यहाँ पर अनूठी परंपरा है, ठीक है ये बिल्कुल सही चल रहा है। अगर यहाँ पर कर्मों की बात करें तो जो है प्राचीन काल कर्मों से लेकर, ये भी ठीक नहीं होगा। जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से उस सही जो है उक्ति का चयन करना है, आपको सही उक्ति का चयन करना है। लोकोक्ति है दोस्तों, ठीक है लोकोक्ति, ठीक है ये क्या कह रहे हैं, लोक में प्रचलित, तो लोकोक्ति हो गया ठीक है, जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापिकाएं, ठीक है इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है आपको, अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद करना है आपको, बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन सी में, ठीक है अध्यापिका प्लस जो है ए लगाया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, सही वाक्य इनमें से कौन सा है, कौन सा सही लिखा हुआ है, तीन नगरों का नाम बताइए, तीन नगर के नाम बताइए, फिर बताया गया है तीन नगरों के नाम बताइए, फिर बताया गया तीन नगर का नाम बताइए, कौन सा सही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो सही लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है तीन नगरों के नाम बताइए, कहाँ नहीं, तीन नगरों के नाम बताइए, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर है, तीन नगरों के नाम बताइए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को किस जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो आपको बताना है। तो सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ये किया गया था 1966 में, ठीक है ये इनको सम्मानित किया गया था मुक्ति बोध के लिए। इनके अन्य जो है उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, फिर सुखदा और आपका व्यतीत तथा जयवर्धन, ये सब इनके जो है अन्य उपन्यास हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें प्रविशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मुझे तो थोड़ी ही भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, अब आपको बताना किसमें प्रविशेषण जो है नहीं है, बताइए प्रविशेषण यानी कि विशेषण का जो है विशेषण बताएगा, ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चे समझदार हो गए हैं, ऑप्शन डी जो है इसमें प्रविशेषण नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे निरंतर यहां पर खाली स्थान है, करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, निरंतर क्या करने से बताइए, निरंतर क्या करिए आप, प्रयास करिए, ठीक है निरंतर क्या करेंगे आप, प्रयास करेंगे सफलता कामयाबी जरूर मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, बोध का समान अर्थ इनमें से कौन सा देगा, बोध का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है, अनुभूति,
उसको बोध हुआ, उसको अनुभूति हुई, आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हर एक एग्जाम में ये आता है, बार बार आता है, काली घटा का घमंड घटा। इसमें आपको अलंकार बताना है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें आपको अलंकार बताना है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक जो है यहाँ पर शब्दों का अव्यत्यय होगा, घटा घटा आ रहा है और अलग अलग इसका अर्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है घटा और घटा का यहाँ पर अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार यहाँ पर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों लास्ट प्रश्न आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन है ये, 40वां क्वेश्चन है। थोथा चना बाजे घना, इसमें मुहावरा जो है इसका अर्थ आपको बताना है। पेपर का 40वां क्वेश्चन हिंदी का ये है, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो ध्यान दीजिए, थोथा चना बाजे घना का अर्थ जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। दिखावा बहुत करते हैं लेकिन जो है सार नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको ये प्रैक्टिस सेट या फिर ये प्रीवियस ईयर का जो यूपीएसआई का है कैसा लगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। आगे हम जीएस का भी लेके आएंगे, ऐसे ही जितने सारे एग्जाम हुए हैं यूपीएसआई के विभिन्न जो है पालियों में उनको हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।